हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस 40 फीट बाई 40 फीट में हाउस डिज़ाइन, जो कि सामने से रोड गया हुआ है, एक साइड से जो हमारा ओपन है। उसका टोटल बिल्डअप एरिया जो है हमारा 1600 स्क्वेयर फीट है, जो कि 1177.70 स्क्वेयर यार्ड के बराबर है। अभी इसमें जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ये 3 BHK डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें 3 बेडरूम अलमीरा प्लस ड्राइंग रूम आपको मिलेगा, लॉबी ओब्लिक लिविंग रूम, किचन, स्टेयर केस जो कि आउटर साइड में रहेगा, बाथरूम, WC और एक इसमें आपको कार पार्किंग मिल जाती है। अभी हम 2D प्लान की बात करें तो ये 40 फीट बाई 40 फीट में हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यही राइट साइड में हमने मेन डोर रखा हुआ है, जो कि और सामने हमारे यहाँ पर स्टेयर डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से अप होगा हमारा स्टेयर, जिसका विड्थ हमारी 3 फीट 6 इंच रहेगी, थ्रेड 1 फीट का रहेगा और राइजर हमारा 6 इंच का ये रहेगा। इसी के नीचे हमें कार पार्किंग मिल जाती है, जिसका टोटल एरिया हमारा 12 फीट बाई 21 फीट का ये हमने दिया हुआ है। यहीं से हमारे घर में जाने के लिए मेन डोर रहेगा एक, और एक हमने यहाँ सामने ड्राइंग रूम में जो है बाहर की तरफ भी डोर दिया हुआ है। और इसी पे हमने जो है सामने फ्रंट ओपन एरिया दिया हुआ है, जो कि 26 फीट बाई 5 फीट का ओपन रहेगा। और ये बाहर की साइड हमने एक टॉयलेट दिया हुआ है, जो कि 6 फीट बाई 4 फीट 7 इंच का रहेगा। जैसे हम यहाँ से अंदर जाते हैं तो ये ड्राइंग रूम रहेगा हमारा, जो कि 12 फीट 10 इंच बाई 11 फीट का रहेगा। ये ऐसे हमारा 12 फीट 10 इंच का रहेगा और ऐसे गहराई इसकी जो है 11 फीट की रहेगी। इसी के लेफ्ट में जो है हमने बेडरूम डिजाइन किया हुआ, जो कि 12 फीट बाई 11 फीट का रहेगा। इसकी विंडो हमने बाहर की साइड से दी हुई है, जो कि ये आप देख रहे हैं 5 फीट 3 इंच की। और जैसे ही हम और अंदर चलते हैं तो हमें लॉबी मिल जाती है ये ड्राइंग रूम के जस्ट सामने, जो कि 15 फीट बाई 11 फीट की काफ़ी बड़ा एरिया हमें मिल जाता है। इसी के राइट साइड में हमने किचन डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि 10 फीट बाई 7 फीट 10 इंच का रहेगा। काफ़ी बड़ा एरिया हमें किचन में भी मिल जाता है। इसकी विंडो हमने ये बाहर की साइड दी हुई है, जो कि 3 फीट बाई 4 फीट की विंडो रहेगी। और हम अंदर चलते हैं तो जो लेफ्ट साइड में हमारा ये बेडरूम था 12 फीट बाई 11 फीट का, इसके जस्ट पीछे ही हमने 12 फीट बाई 11 फीट का सेम साइज का, पीछे हमने जो है सेम साइज का बेडरूम डिजाइन किया हुआ, जो कि 12 फीट बाई 11 फीट का रहेगा। इसमें हमने पीछे की साइड विंडो दी हुई है और एक इसके साथ अटैच टॉयलेट भी दिया हुआ, जो कि 6 फीट बाई 6 फीट और 4 फीट 6 इंच का रहेगा। ये रियर ओपन भी रहेगा इसमें, जो कि 26 फीट बाई 5 फीट 6 इंच का हमने इसमें जो है डिजाइन किया हुआ है। और लॉबी के जस्ट सामने हमने एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, जो कि 7 फीट 3 इंच बाई 5 फीट 9 इंच का, काफ़ी बड़ा एरिया हमें इस टॉयलेट में मिल जाता है। जो रियर ओपन है इसी में हमने जो है इसकी विंडो दी हुई है। और राइट साइड में हमने बेडरूम डिजाइन किया हुआ, जो कि 12 फीट 7 इंच बाई 11 फीट का रहेगा। और इसी के साथ हमने जो है अटैच इसमें एक स्टोर दिया हुआ, जो कि 11 फीट बाई 5 फीट का इसमें स्टोर रहेगा। इसकी कॉलम की बात करें तो हमने और बीम की तो 9 इंची बाई 9 इंची के हमने कॉलम दिए हुए हैं, जो कि 4 नंबर 16 mm डाया का मेन सरिया रहेगा, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं। और रिंग जो है 8 mm डाया की, 5 इंची सेंटर टू सेंटर इसमें रिंग रहेगी। और इस हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्टेड एरिया ऑफ प्लॉट 1600 स्क्वेयर फीट है, और इसमें ग्राउंड फ्लोर की कॉस्ट हमारी तकरीबन 18 लाख के आसपास आएगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।